हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो दूसरा मैं वीडियो लेके आ गया दोस्तों आप लोग के लिए। जैसे कि मैंने दोस्तों वहाँ 11 बताया, मैं यहाँ पे 11 और बताऊंगा और टोटल 22 हो जाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 11 वहाँ पे बताया, वापस 22 करना है हमको। तो दोस्तों पहला दिया 22 पे दिया हुआ वृत्त संबंधी संविधाएं और वाद, जो पैसे से संबंधित, ठीक है, पैसे वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति और संविधान और वाद, जो भी पैसे से लेके संपत्ति को लेके जो भी वाद होते हैं, जो पैसों का लेन देन होता है, वो देखने वाला डॉन होता है। मैंने याद कराया था यहाँ पे, ठीक है, 12 पे डॉन है, डॉन करता है। और दोस्तों बट हम अनुच्छेद कैसे याद करेंगे, तो आप ऐसा याद करिए कि नजर वित्त संपत्ति पे जो पैसे हैं उस पे आपकी नजर लग गई। सॉरी, बुरा मत मानना, किसी को भी ले सकते हो, मुझे ले सकते हो, ठीक है, किसी को भी ले सकते हो। नजर लग गई किसकी, किसके पैसे की बात हो रही है, मौसी के, मौसी के पैसे पे आपकी नजर लग गई। आपको ऐसा सोचना है, ठीक है, कि मौसी के पास इतना सारा पैसा था कि मैंने, हमने उसको देखा और उसको नजर लग गई, इस तरीके से। तो नजर लग गया मतलब नजर से 264 एन जे आर 264 और मौसी के पैसे पे लगी तो 300 एम डबल ए डबल एस आई मौसी, ठीक है दोस्तों। आगे दिया 13 वाणिज्य और समागम, वाणिज्य और समागम। अब इसका क्या है दोस्तों, वाणिज्य मतलब जो काम होता है, समागम जो होता है वो भी। तो वाणिज्य और समागम में हमेशा उन्हीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है दोस्तों। ऐसे इमेजिन करना है कि जो बढ़िया प्रोडक्ट होते हैं, मतलब मांस का लेन देन नहीं होता, मतलब मुर्गी के मांस का, कोई भी मांस का लेन देन नहीं होता। लेकिन आप वहाँ पे वर्क करते हो, इमेजिन करिए आप वहाँ पे काम करते हो, आप अपने दोस्त को मदद मिला, अरे मांस दे, मांस मतलब किसका मांस मांग रहे हो आप, किसी मनुष्य का, कुछ भी दोस्तों ले सकते हो आप, तो उसका आप मांस मांग रहे हो, तो आपने बोला चल मांस दे, और आपका दोस्त इतना मजाकिया था कि उसने मजाक मजाक में आपको मांस हाथ में थमा भी दिया, ले ठीक है, मांस थमा दिया आपको, अब आप डर गए तो आपने उसको फेंक दिया। तो याद हो गया ना दोस्तों, वाणिज्य समागम में आप जॉब करते हैं, वहाँ आपने अपने दोस्तों से मजाक में मांस मांगा, उसने बोला मांस दे, आपने बोला मांस दे, उसने आपके हाथ में मांस थमा दिया। तो मांस का ब्रेक करेंगे तो 301, ठीक है, और मांस दे, डी डी से दे हो जाएगा और मांस डबल ऐसे 10 आएगा, ठीक है दोस्तों। मजाक में क्या हो जाएगा 307। आगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं होता है वो कौन करता है, मसावी लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन करता है, संघ और राज्य के बीच जो अधीन सेवाएं होती है वो कौन करता है, मसावी लोग करते हैं, और कहाँ करते हैं, मन में करते हैं। ये कोई बात होती है दोस्तों कि आप संघ और राज्यों के जो अधीन सेवाएं होती हैं वो मसावी लोग करेंगे और मन में करेंगे, मतलब कि मैंने राज्य को अच्छा सुधार दिया, राज्य में पानी नहीं थी, पानी लेके आ गया, और ये सब काम वो कहाँ कर रहे हैं, मन में। कौन कर रहा है, मसावी। तो मसावी से क्या होगा, 308 एम एस और वी से 8 हो जाएगा, मन में कर रहा है तो 3 और एन से 2 और 3 से एम। आगे निर्वाचन, निर्वाचन पे क्या है दोस्तों, निर्वाचन पे है 324, ठीक है, मीनार, ये है दोस्तों मीनार। तो निर्वाचन कहाँ होता है दोस्तों, मीनार में होता है। मीनार में लोगों को क्या खिलाया जाता है, मीनार में नींबू खिलाया जाता है, मीनार में, देखो दोस्तों मीनार में नींबू। तो निर्वाचन कहाँ है दोस्तों, मीनार में होता है, और मीनार में नींबू खिला के होता है, क्या होता है, मीनार में नींबू, मीनार में नींबू खिला के निर्वाचन किया जाता है। ऐसा होता है दोस्तों निर्वाचन मीनार में होता नहीं होता, ये हमको याद करना है, कॉमेडी बनाना है। मीनार कहाँ हो रहा है, सॉरी, निर्वाचन कहाँ हो रहा है, मीनार में हो रहा है, और मन में, मतलब सॉरी, मीनार में नींबू खिला के हो रहा है ऐसा। 16 पे क्या है दोस्तों, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध, कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको विशेष उपबंध प्राप्त है और मामा से मरे, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध मिल गए हैं, मतलब आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपको संबंध में विशेष उपबंध मिल गए हैं, आपको क्या मिल गए, विशेष उपबंध, और आप अपने मामा से बोल रहे हो, यार मामा देखो अब मेरे को विशेष उपबंध मिल गए हैं, तो मेरे को मरीन चाहिए, मरीन चाहिए मतलब पानी में घूमने वाला मरीन, क्या चाहिए, मरीन चाहिए, मुझे पानी में घूमना है, क्योंकि आपको विशेष उपबंध मिल गया है कि आप पानी में जा सकते हो, लैंड पे, हवा में, कहीं पे भी जा सकते हो। तो आप किससे बोल रहे हो, मामा से, मामा से मरीन मांग रहे हो, ठीक है, मामा को डिकोड करेंगे 330 और 342 मरीन, ठीक है, तो मरीन में, तो मामा से क्या मांग बोल रहे हो दोस्तों, मरीन में, ठीक है, मरीन मांग रहे हो। आगे 17 पे है राजभाषा, राजभाषा को कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए राजभाषा 343 मार मर, तो आपने देखिए राजभाषा का कोड क्या है, मर मैं और मेला तू, तो आप राजभाषा बोलते हैं, ठीक है, राजभाषा आपने अपने भाई को बोला, या दोस्तों ऐसा इमेजिन करिए कि राजभाषा वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, और उससे एक छोटा लैंग्वेज वाला उसके पास आता है और उसको बोलता है,
उसको, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है छोटे लैंग्वेज वाले को, उसको इंडिया में कहीं जॉब नहीं मिलता है, कोई चीज़ अच्छे से नहीं मिलती है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारी चीज़ें ये राजभाषा वाले लेके जाते हैं। उनको बहुत ही अच्छा खासा सेटलमेंट मिलता है, घर मिलता है, सब कुछ मिलता है, इमेजिन करिए दोस्तों। और एक गरीब जो छोटी जात के लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, छोटी लैंग्वेज बोलते हैं, उनको वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वो उसके पास जाता है और बोलता है, क्या रे मरे हम और मर मेला तू घूमे। तो उसने उसको क्या बोला कि मर हम रहे, क्योंकि हमको सारी चीज़ें फैसिलिटी नहीं मिल रही है और तुम लोग मेला घूम रहे हो। तो बोलता है मरे मैं और मेला तू घूम, या मरू मैं मेला तू घूम, मरू कर देते हैं दोस्तों इसको, मरू मैं और मेला तू घूम, ऐसा आपने उसको बोला। 18 पे है दोस्तों आपात उपबंध। आपात उपबंध कैसे याद होगा, तो आपात उपबंध में क्या है दोस्तों, 352 से लेकर 360 तक, इसका क्या है आपात उपबंध में मिलन और मिजाज। आपात उपबंध, जब आपात उपबंध होता है तभी आप अपने जीव से मिलने जाते हो, ठीक है, और मिलते हो और उससे मिसाज करवाते हो, ठीक है, या मसाज करवाते हो, क्या करवाते हो, मिजाज है वो। तो 352 में मिलन, तो जब भी आपात उपबंध होता है तो आप क्या करते हो, अपनी जीव से मिलते हो, मिलन होता है आप दोनों का, और बड़े ही मिसाज तरीके से आप दोनों बात करते हो, तो मिसाज से क्या हो जाएगा दोस्तों, 360 और 352 पे मिलन। तो कब मिलते हो आप अपनी जीव से, जब आपात उपबंध होता है तब। अगला है प्रकरण का दोस्तों क्या है, 361 से लेकर 367 तक, इसको कैसे याद करेंगे, आप ऐसा इमेजिन करिए दोस्तों कि आप प्रकीर्ण कर रहे हैं मस्जिद में गए आप, और मस्जिद में आपने बहुत मजाक किया, और आपके मजाक करने से ही सन की रोशनी, प्रकीर्ण मतलब सन की रोशनी किरण के रूप में मस्जिद में पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि मस्जिद में आपने मजाक किया, और मजाक करने की वजह से सन भगवान खुश हो गए, सूर्य भगवान, और वहाँ पे उसने प्रकीर्ण डाल दिया, किरण डाला। आपको सिर्फ याद करना दोस्तों, हंसी आती है पता है, लेकिन हंसने पे ही याद होगा। तो प्रकीर्ण मस्जिद में गए, आपने मजाक किया, मजाक का 367 और मस्जिद का 361, तो ही वहाँ पे प्रकीर्ण पड़ा। अगला दोस्तों संविधान संशोधन, संविधान संशोधन होता है 368 आर्टिकल्स के तहत, ये किसको भी याद होता है, बहुत ही सिंपल है, इसको कोई कॉमेडी में बनाने की जरूरत नहीं है। 368 संविधान संशोधन होता है। अगला है दोस्तों अस्थाई परिवर्ती और विशेष प्रावधान, अस्थाई परिवर्ती और विशेष प्रावधान, ये क्या है दोस्तों अस्थाई परिवर्ती और विशेष प्रावधान, 369 मजा और 392 पे है, ठीक है, 369 से लेकर 392 तक, इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, अस्थाई परिवर्ती और विशेष प्रावधान किसको मिले हैं, हाँ सॉरी दोस्तों, अस्थाई परिवर्ती और विशेष प्रावधान आपको मिले हैं, इसलिए आपको बहुत मजा आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, आपको बहुत मजा आ रहा है, मजा से क्या हो जाएगा, 36 होगा, 9 क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे इमेजिन करिए, देखिए मजा मैंने लिया तो अब 9 बच गया, तो 9 यहाँ जोड़ दीजिए, 939, तो इसका होगा बम और पेन, 93 पे बम और 92 पे पेन, तो ये दोस्तों कैसे याद होगा, देखिए दोस्तों थोड़ा, 369 और 392, तो मैंने क्या किया दोस्तों, इसको आपको मजा बना दिया, और ये 9 यहाँ जोड़ दिया, 93 हो गया, तो अब इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, बम और पेन। तो दोस्तों इतना तो सेंस है आपके अंदर कि इतना बड़ा तो हमारा नंबर नहीं हो सकता है, जी हाँ दोस्तों इतना बड़ा नंबर तो नहीं हो सकता, तो ये 9 यहाँ पे आप लगा देंगे, क्योंकि ये 3 होगा और ये भी 3 हो जाएगा, तो क्या हो गया दोस्तों, मजा है आपका, क्योंकि आपके पास क्या है, बम और पेन है, क्यों, क्योंकि आपको क्या मिला है, विशेष प्रावधान मिला है कि आप अपने साथ बम और पेन दोनों रख सकते हो। 22 पे क्या है दोस्तों, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और निरसन, ये क्या है दोस्तों, इसका 393 से लेकर 395 तक है, अब इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो 393 से एमपी में आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं, यार जो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और निरसन वाले होते हैं ना, वो लोग एमपी में एमपी लोग रहते हैं, ठीक है दोस्तों, आपने बोला कि एमपी में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ये जो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का निरसन करते हैं ना, वो लोग एमपी में रहते हैं, और कौन करता है, एमपी लोग करते हैं, एमपी मतलब दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपी मतलब एक होता है मध्य प्रदेश, एक एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपने बोला कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन कौन करता है, एमपी लोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं, एमपी में, तो पहले बोलना है एमपी में एमपी लोग करते हैं, एमपी में एमपी लोग करते हैं, ठीक है, एमपी लोग मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, ठीक है, तो ये रहा दोस्तों टोटल 22 पार्ट, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है, अगर डाउट होता है तो वीडियो को बार बार देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों, और
कुछ भी डाउट होता है दोस्तों, अगर किसी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।